नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 अगस्त दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जमीन सर्वे, राज्य से बाहर रहकर भी कर सकते हैं ऑनलाइन चेक। बिहार पुलिस में यातायात व्यवस्थाओं में सुधार के लिए स्वीकृत हुए इतने पद। अब ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर शिक्षकों को मिलेगा वेतन। आज बिहार के इन जिलों में बारिश की है संभावना। अमिताभ बच्चन ने की पंकज त्रिपाठी की तारीफ। T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिलने पर निराश हुए रिंकू सिंह को रोहित शर्मा ने किया था मोटिवेट। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BML ने ITI ट्रेनी और ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी के लिए निकाली भर्ती। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BML ने ITI ट्रेनी और ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 100 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.bemlindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार ITI ट्रेनी हो। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित उम्मीदवारों को इसमें छूट दिए जाएंगे। उम्मीदवारों का चयन रिटन एग्जाम और ट्रेड टेस्ट के जरिए होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें। बिहार में जमीन सर्वे, राज्य से बाहर रहकर भी कर सकते हैं ऑनलाइन चेक। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। ऐसे में जो लोग राज्य से बाहर हैं वे सर्वे का काम ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। इसके लिए dlrs.bihar.gov.in का रुख कर सकते हैं। इस वेबसाइट को खोलते ही बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाओं का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जमीन सर्वे से जुड़ी सारी सेवाएं स्क्रीन पर होंगी। इस वेबसाइट के जरिए आप अपने गांव में सर्वे की स्थिति को देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप पर भी सर्वे की स्थिति देख सकते हैं। बिहार पुलिस में यातायात व्यवस्थाओं में सुधार के लिए स्वीकृत हुए इतने पद। बिहार पुलिस में यातायात व्यवस्थाओं के लिए 10,332 पदों की स्वीकृति मिली है ताकि यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर और सुदृढ़ बनाया जा सके। इसे लेकर सुधांशु कुमार अपर पुलिस महानिदेशक ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पूर्व से 12 जिलों में स्वीकृत यातायात बलों के अलावे प्रदेश के अन्य 28 जिलों में यातायात थानों के लिए 4,215 और हाईवे पेट्रोलिंग योजना के लिए कुल 1,560 यातायात बलों की स्वीकृति मिली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वीकृत बलों की पूर्ति सिपाही भर्ती की परीक्षा संपन्न हो जाने के बाद ही की जाएगी। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे सुपौल के बारे में। सुपौल बिहार के महत्वपूर्ण जिलों में से एक है। ये वैदिक काल से ही मिथिलांचल का हिस्सा रहा है। हिंदू पौराणिक कथाओं में क्षेत्र को मत्स्य क्षेत्र कहा गया है। यहाँ पर धार्मिक पर्यटन स्थल सबसे ज्यादा है। यदि आप कभी सुपौल जिला आते हैं या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सुपौल में धरहरा, विष्णु मंदिर, तिनतोलिया, कोसी नदी, कपिलेश्वर मंदिर और हनुमान मंदिर और कई जगहों पर घूम सकते हैं। इसके अलावा यहां बीरपुर में कोसी बांध भी है जहां से आप सुंदर नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं। नए सत्र से अप्रैल महीने में ही सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेंगी किताबें। अप्रैल महीने से नए सत्र 2025-26 से सरकारी स्कूल के बच्चों को किताबें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस सत्र में कक्षा 1 से 12वीं तक के 4,00,000 बच्चों को किताबें बांटने में मई से जुलाई तक का समय लगा, लेकिन अगले सत्र के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। विद्यार्थियों की संख्या और विषय के आधार पर किताबों की डिमांड की सूची जिले के विभिन्न प्रखंडों से मांगी गई है ताकि नए सत्र की शुरुआत के साथ ही बच्चों को किताबें मुहैया करवाई जा सके, जिससे बच्चों को पढ़ने में किसी तरह की परेशानी ना हो। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विभाग द्वारा आदेश दिए गए हैं कि किताबों की सूची सितम्बर तक भेज दी जाए। आपके शिकायतों का जल्द होगा निपटारा, महज इतने दिनों में निपटारा करेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब सरकारी शिकायत पोर्टल्स पर दर्ज शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित समय सीमा को घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। बता दें, पहले शिकायतों के समाधान के लिए 30 दिन का समय मिलता था, जो कि अब घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस और मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी शिकायतों के निवारण की समय सीमा को 45 दिन से घटाकर 30 दिन किया गया था और इसे और भी कम करके 21 दिन कर दिया गया है।
गुरु गोविंद सिंह अस्पताल परिसर में निरीक्षण के लिए पहुंचे सीएम नीतीश। सीएम नीतीश पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन मॉडल अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करवाएं। साथ ही उन्होंने इस दौरान निर्माण कार्य की भी विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद थे। उन्होंने नक्शा के जरिए कैंपस प्लान के बारे में जानकारी दी। साथ ही 30.42 करोड़ रुपए उन्होंने मॉडल अस्पताल की लागत बताया। सिपाही भर्ती परीक्षा में जालसाजों को पकड़ने के लिए किए गए ये उपाय। 6 चरणों में बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हो रही है। आज अंतिम चरण की परीक्षा होगी। अभी तक 5 चरणों की परीक्षा हो चुकी है। इसमें कई जालसाज पकड़े गए। इसमें सबसे ज्यादा दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने और ब्लूटूथ लेकर आने वाले शामिल थे। इन सभी पर परीक्षा के बाद भी निगरानी की जा रही है। ये सभी जालसाज अपनी चप्पल, पेन और चश्मा में ब्लूटूथ छिपाकर लाए थे, लेकिन जैमर के कारण इनका ब्लूटूथ प्रभावी नहीं हो पाया। परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए अभ्यर्थियों को भी पेन उपलब्ध करवाया गया था। अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाया गया कलम बाजार में उपलब्ध इंक से अलग था। इस पेन की ये खासियत है कि जो भी अभ्यर्थी इस पेन का प्रयोग नहीं करते हैं उनकी OMR सीट स्कैनिंग के दौरान पकड़ी जाएगी। फिर उन अभ्यर्थियों के पेपर का ना ही मूल्यांकन होगा, ना ही आगामी परीक्षा में ये शामिल हो पाएंगे। बिहार से राज्यसभा के रिक्त 2 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा हुए निर्वाचित। बार काउंसिल अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार से राज्यसभा के रिक्त 2 सीटों के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मंगलवार को इनके निर्वाचन की घोषणा की गई है। साथ ही इन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गया है। नए पद को पाने के बाद दोनों ने ही प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के सीएम नीतीश को धन्यवाद दिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी भी इनके निर्वाचन के दौरान मौजूद रहे। मेंटेनेंस कार्य के लिए 4 सितंबर तक बंद हुआ पटना का तारामंडल। 27 अगस्त से 4 सितंबर तक पटना का तारामंडल बंद कर दिया गया है। बता दें कि प्रोजेक्शन सिस्टम का रख रखाव और मरम्मत का काम करने के लिए तारामंडल को बंद रखा गया है। इस दौरान जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक किया है या काउंटर से टिकट लिया है तो उनके पूरे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। अब दर्शक 5 सितंबर से फिर से तारामंडल में शो देख सकेंगे। बता दें कि पटना तारामंडल में कुल 4 शो चलाए जाते हैं जो खगोल विज्ञान के प्रति लोगों की जागरूकता और उत्साह को और बढ़ाते हैं। अब ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर शिक्षकों को मिलेगा वेतन। ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर बिहार में शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जाएगा। 1 अक्टूबर से ये व्यवस्था लागू होगी। इसके अलावा मैनुअल अब्सेंटी अभी भी जारी रहेगी। यदि किसी परिस्थिति में सर्वर डाउन रहता है या नेटवर्क खराब रहता है तो इस दौरान मैनुअल अटेंडेंस ही मान्य होगा। सभी जिलों के DEO को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य के सरकारी स्कूल के सभी प्रिंसिपल और शिक्षक को शिक्षा कोष ऐप पर हर दिन ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करवानी होगी। इस दिन डेटा पोर्टल उपलब्ध करवाना जरूरी है। साथ ही ऑनलाइन अटेंडेंस के साथ उपस्थिति पंजी पर भी अटेंडेंस दर्ज करना होगा। अमिताभ बच्चन ने की पंकज त्रिपाठी की तारीफ। बोले, उनकी फिल्म देखते हैं और सीखते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के 16वें सीजन की जो 12 अगस्त से शुरू हो चुका है। इस शो के हाल ही के एपिसोड में खास मेहमान के तौर पर पारस मणि का स्वागत किया गया। पारस मणि जो एक ऑटो चालक हैं जो कई कठिनाइयों के कारण अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए। ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन ने पारस मणि को मेडिकल मदद देने का वादा किया। साथ ही शो के सवाल जवाब के सेगमेंट में बिग बी ने 20,000 रुपये के सवाल में पंकज त्रिपाठी के फिल्म में मैं अटल हूँ में उनके किरदार के बारे में पूछा। अमिताभ बच्चन ने पंकज त्रिपाठी की अदाकारी की तारीफ करते हुए कहा कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक सक्षम और बेहतरीन कलाकार। पटना के आसपास के बाढ़ से प्रभावित इलाकों के बंद हुए स्कूल। राजधानी पटना के आसपास कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों की परेशानी को देखते हुए पटना DM ने 76 स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। ये सभी स्कूल गोला, बाढ़, बख्तियारपुर, दानापुर, मनेर, फतुहा, मोकामा और पटना सदर प्रखंड के स्कूल हैं। आपको बता दें कि गंगा किनारे स्थित पटना के आसपास के इलाकों में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है जो बच्चों और शिक्षकों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसी को देखते हुए पटना DM द्वारा यह फैसला लिया गया है। बिहार में इन 5 स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए बैंक से जल्द मिल सकता है ऋण। बिहार में 5 स्टेट हाईवे का निर्माण होने वाला है।
इन हाईवे के निर्माण के लिए बिहार को एशियन डेवलपमेंट यानी एडीबी बैंक ऋण देने वाली है। ऋण देने को लेकर मामला सहमति तक पहुंच चुका है। दरअसल हाल ही में एडीबी बैंक की टीम बिहार दौरे के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से संबंध में बातचीत की। आपको बता दें कि बैंक से मिलने वाले ऋण में इन सड़कों का निर्माण होगा। वे बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट 4 का हिस्सा है। इन सड़कों के निर्माण से इनकी कनेक्टिविटी एनएच से हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट में जिन 5 सड़कों का निर्माण होगा उसमें बनगंगा, जेठियन, गहलोर, बिंदस पथ, आरा, एकोना, खैरा, सहार पथ, छपरा, मांझी, दरौली पथ, धौरैया, इंग्लिस मोड़, असरगंज पथ, हथौरी और आई पथ पर पुल और पहुंच पथ शामिल है। हाल ही में स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने वाले पूर्व आईएएस रजनीकांत बने खेल विश्वविद्यालय के पहले वीसी। अभी हाल में ही लखीसराय के डीएम रजनीकांत के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की खबर सामने आई थी, जिसे राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी भी दे दी गई थी। इसके ठीक बाद अब राज्य सरकार ने इन्हें अहम जिम्मेदारी देते हुए खेल विश्वविद्यालय का वीसी बनाया है। आपको बता दें कि पूर्व आईएएस रजनीकांत पहले खेल विश्वविद्यालय के वीसी बनाए गए हैं। राजगीर खेल अकेडमी में ये विश्वविद्यालय चलाया जाएगा। मालूम हो कि 29 अगस्त को राजगीर में नव निर्मित खेल अकेडमी का उद्घाटन सीएम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर करने वाले हैं। रविंद्रन शंकरन इसके पहले निदेशक बनाए गए हैं। गोपालगंज से पुलिस ने 14 किलो चांदी किया बरामद। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र में पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक बस से 14 किलो 600 ग्राम चांदी बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। चांदी आगरा से दरभंगा ले जाई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने हथरस के निवासी अजिंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है। जांच के दौरान चांदी के आभूषण के बारे में आयकर विभाग को सूचना दी गई है। 5 महीने पहले भी 60 किलो चांदी और पिछले साल 102 किलो चांदी जब्त किए जा चुके हैं। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है और संबंधित दस्तावेजों की पुष्टि नहीं होने पर कार्रवाई जारी है। आज बिहार के जिलों में बारिश की है संभावना। बिहार में कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। प्रदेश में हो रही बारिश से कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ चुका है। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। आज सारण, भोजपुर, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर और बांका जिले में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। गया से भारी मात्रा में 50 लाख रुपए के अवैध शराब हुए बरामद। पुलिस ने गया जिले से छापेमारी कर 300 लीटर बियर, 2 पेटी में रखी 15 बोतल विदेशी शराब और 2 बोरे में रखे 170 लीटर महुआ को बरामद किया है। ये सभी अवैध शराब गया के डेल्हा थाना क्षेत्र के बागेश्वरी स्थित वन बम बाबा पहाड़ी के गुफा में जब्त किए गए हैं। इस मामले को लेकर डीएसपी धर्मेंद्र भारती ने जानकारी दी है कि गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब कारोबारी बद्री पासवान और ज्योति पासवान द्वारा इस गुफा में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का व्यवसाय किया जा रहा था। बरामद हुए शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल शराब तस्कर पुलिस की गिरफ्त से फरार है। इनके संपत्ति की जाँच की जा रही है। तकनीकी समस्याओं के कारण पासपोर्ट सेवाएं 29 अगस्त से 2 सितंबर तक स्थगित। अगर आप नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पासपोर्ट विभाग ने सूचित किया है कि उनकी वेबसाइट और सेवाएं 29 अगस्त की रात 8 बजे से लेकर 2 सितंबर की सुबह तक पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसके कारण इस 5 दिनों की अवधि के दौरान ना तो पासपोर्ट के लिए आवेदन किए जा सकेंगे और ना ही मौजूदा अपॉइंटमेंट के रिशेड्यूल की सुविधा उपलब्ध रहेगी। बता दें कि ये तकनीकी समस्याओं के कारण किया जा रहा है, जिसकी वजह से देश भर में आवेदकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पशुपति पारस के आदेश पर आलोचना की प्रदेश कमेटी हुई भंग। अध्यक्ष पशुपति पारस के आदेश पर आलोचना के प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया गया है। ये फैसला आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है। अब प्रदेश कमेटी का गठन नए सिरे से किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी रालोचपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान को दी गई है। मालूम हो कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से पशुपति पारस मिलने गए थे। उनके साथ प्रिंस राज भी मौजूद रहे। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक रही। इस दौरान पशुपति पारस ने अमित शाह को एनडीए का समर्थन देने का भरोसा दिलाया है।
तेजस्वी यादव बोले चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से नहीं पड़ेगा फर्क। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने को लेकर कहा है कि इस बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी कई नेताओं ने दल बदलने का खेल खेला था, लेकिन इसका कोई बड़ा असर नहीं हुआ। इसके साथ ही अररिया में चोरी के मामले में पकड़े गए युवक के साथ हुई अमानवीय घटना पर भी तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पूरे मामले को निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि बिहार में प्रशासन पूरी तरह से विफल हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिलने पर निराश रिंकू सिंह को रोहित शर्मा ने किया था मोटिवेट। जब रिंकू सिंह को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारत की मुख्य टीम में जगह नहीं मिली थी, तब वे पूरी तरह से टूट चुके थे। इस पल को याद करते हुए उन्होंने बताया कि इससे काफ़ी निराश हो गए थे, लेकिन उन्हें कप्तान रोहित शर्मा ने समझाया और मोटिवेट किया। रोहित ने उन्हें बताया कि उनकी उम्र अभी बहुत कम है, आगे उन्हें कई मौके मिलेंगे। वर्ल्ड कप हर 2 साल में होता है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। रिंकू ने कहा कि रोहित की सलाह ने उन्हें प्रेरित किया कि वो लगातार मेहनत करते रहे। रिंकू ने रोहित की कप्तानी की सराहना की। उन्होंने बताया कि उन्हें विराट कोहली की आक्रामक शैली पसंद है। आगे उन्होंने कहा कि टीम की कप्तानी में आक्रामकता महत्वपूर्ण है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1904 में कलकत्ता से बैरकपुर तक पहली कार रैली का आयोजन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। आज के दिन वर्ष 1972 में साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण बिल पारित किया गया था। आज के दिन वर्ष 1986 को भाग्यश्री साठे शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला बनी थी। आज के दिन वर्ष 2001 में भारत पाक सीमा पर गोलीबारी देखने को मिली थी। आज के दिन वर्ष 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1999 और 2000 के सभी नोटों को प्रचलन से हटाने का निर्णय लिया था। आज के दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बिहार में आए बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। आज के दिन वर्ष 2017 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में रजत जीता था। भारत में टेलीग्राम पर मंडरा रहा खतरा, ऐप पर लग सकता है प्रतिबंध। भारत में टेलीग्राम ऐप पर प्रतिबंध लग सकता है। ये कदम केंद्र सरकार द्वारा ऐप के खिलाफ जबरन वसूली और जुए की जांच किए जाने के बाद उठाया गया है। गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दोनों इस जांच में शामिल है। विशेषकर जुआ और जबरन वसूली जैसी आपराधिक गतिविधियों की संभावित संलिप्तता की जांच की जा रही है। हाल ही में टेलीग्राम के मालिक पावेल डुडो को पेरिस में गिरफ्तार किया गया था। इनकी गिरफ्तारी फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा प्लेटफॉर्म की मॉडरेशन नीतियों के कारण हुई है। इस घटना ने भारत में टेलीग्राम के खिलाफ कार्रवाई को तेज कर दिया है। IT मंत्रालय ने संबंधित अधिकारियों को ऐप से जुड़े साइबर अपराधी की जांच करने को कहा है। जांच के परिणाम के आधार पर टेलीग्राम पर प्रतिबंध लग सकता है। YouTube ने बढ़ाया अपनी मंथली प्रीमियम प्लान। YouTube गूगल की वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा ने अपने प्रीमियम प्लान की कीमतें भारत में बढ़ा दी हैं। अब इंडिविजुअल प्लान की कीमत 129 रुपये से बढ़कर 149 रुपये प्रति माह हो गई है। फैमिली प्लान की कीमत 189 रुपये से बढ़कर 299 रुपये प्रति माह हो गई है। YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन उपयोगकर्ताओं को विज्ञापन मुक्त वीडियो स्ट्रीमिंग, बैकग्राउंड में वीडियो देखने और पिक्चर इन पिक्चर यानी PIP मोड जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अलावा कंपनी ने उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो स्ट्रीमिंग की भी पेशकश की है। आपको बता दें कि यूजर के पास फ्री और प्रीमियम दोनों प्रकार के सब्सक्रिप्शन विकल्प मौजूद हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे, जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में NIRF सूची में कौन लगातार 6ठी बार शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए IIT मद्रास, ऑप्शन बी है IIT कानपुर, ऑप्शन सी है IIT दिल्ली, ऑप्शन डी है IIT खड़गपुर। इसका सही उत्तर है IIT मद्रास। हाल ही में किसने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है CR पाटिल। इसका सही उत्तर है CR पाटिल। हाल ही में विनय मोहन कवात्रा ने किस देश में भारत की राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है जापान। इसका सही उत्तर है USA। निम्न में कौन बिहार के गवर्नर रह चुके हैं? ऑप्शन ए है विनोदानंद झा, ऑप्शन बी है बूटा सिंह, ऑप्शन सी है शिवचंद्र झा, ऑप्शन डी है राधानंदन झा। इसका सही उत्तर है बूटा सिंह।
अगस्त 1942 में बिहार में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान की रॉयल वायुसेना के कर्मचारी कहाँ मारे गए थे? ऑप्शन ए छपरा सारण, ऑप्शन बी है सासाराम रोहतास, ऑप्शन सी है पसराहा मुंगेर, ऑप्शन डी है जगदीशपुर भोजपुर। इसका सही उत्तर है पसराहा मुंगेर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सुमन कुमार मिश्रा, मोतीलाल कुमार, शिवचंद्र मंडल, सुबोध कुमार, भगवान सिंह, पिंकी कुमारी कुमार, सौरभ रहमत आलम, कंचन राजवंशी, मोहम्मद साकिर हुसैन, अजीत कुमार, प्रीति कुमारी, आदर्श सिंह, मोहम्मद इरफान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको या आपके आसपास के लोगों को बिजली के स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने में परेशानी होती है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।